आज एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खनियादाना क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन लोगों में सत्ता की इतनी भूख है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के कपड़े फाड़ने की बात सार्वजनिक रूप में कह रहा है, तो ऐसे में ये लोग अगर सत्ता में आ गए तो फिर गरीब जनता का क्या होगा। सांसद व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी जिले की सबसे बड़ी विधानसभा पिछोर खनियादाना विधानसभा में पहुंचे हैं। यहां पर कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान एकजुट करने का प्रयास करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। यहां पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जमकर फूलों से स्वागत किया। एकदम लोधी जी सबके उम्मीदवार हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का पक्षम छोड़ने और शिवपुरी के हर विधानसभा पूर्ण रूप से लेता है। जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के आधार पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की योजनाओं के आधार पर अकाल्पनिक कार्य हुए। अभी 10 दिन पूर्व ही ग्वालियर में मैंने 8 तारीख को शिवपुरी के लिए 2 बांधों का शिलान्यास करवाया। 1000 करोड़ रुपए के दोनों बांध, एक सोनपुरा एक और नदी वाला, उससे करीब 50,000 सिंचित। तो समय है विकास का, समय है प्रगति का। एक तरफ विकास प्रगति राष्ट्रवादी सोच माँ भारती के प्रति समर्पण और दूसरे तरफ कुर्सी भ्रष्टाचार स्वयं की सोच कुर्ता फाड़ने वाली सोच। जनता को इन दोनों सोचों के बीच में अपना निर्णय लेना है। मुझे पूरा विश्वास है जो अल्प समय हम लोगों को मिला, 3 वर्ष नहीं 15 महीने मिले, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में चले गए थे, 15 साल उस कांग्रेस की 15 महीने उस कांग्रेस की सरकार और 15 महीने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जमीन आसमान का अंतर है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में है। पिछोर विधानसभा में आए दिन प्रत्याशी बदल रहे हैं कांग्रेस के। मेरी आदत ये नहीं है, आप लोग मुझे 20 साल से राजनीतिक टीका टिप्पणी करना हर चीज पर मैं उचित नहीं मानता। प्रत्याशी अगर उनके बदल रहे हैं ये उनका काम है, ये कहने में आ रहा है कठिनाई। हमारा प्रत्याशी 3 महीने पहले घोषित हो गया था, हमारा प्रत्याशी स्थायी प्रत्याशी है, हमारा प्रत्याशी जनता का प्रत्याशी है, हमारा प्रत्याशी जन जन का भारतीय जनता पार्टी। ऐसे भी कयास लगा जा रहे हैं कि आप शिवपुरी विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। मैंने बार बार कहा है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। एक एक विधानसभा में मेरा प्रवास हो रहा है। कल मैं डबरा में था, परसों भितरवार में था, आज मैं आपके साथ हूँ पिछोर में, 2 दिन बाद में ग्वालियर का मेरा कार्यक्रम है। मैं एक एक जगह पे लगा हूँ। जो पार्टी का सोच है विचारधारा है जमीन तक हम लोग ले जाने की पूरी कोशिश। क्या कारण है कि शिवपुरी में अभी तक टिकट क्लियर नहीं हुआ? उस मध्य प्रदेश को बीमार राज्य से उठाकर बेमिसाल राज्य में परिवर्तित कर लिया है। आज लड़ाई उस बेमिसाल राज्य को राष्ट्र के शिखर पे पहुंचाने की लड़ाई है।